हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सेशन की टेंथ का जो सेशन है नया उसकी शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने नाइन्थ क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो टेंथ में अब उसी की डीप स्टडी होगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा हर एक चीज़ को। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x-3, तो इसमें जो x की पावर है वो कितनी है? 1। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी? 1। इसी तरह से x-2/11 लिखा हुआ है, इसमें भी x की पावर कितनी है? 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 होगी। इसी तरह से नीचे ये जो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं जैसे कि √3x+5, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 होगी। ऐसे ही ये बचे हुए एग्जांपल्स हैं जैसे कि 3z+4, तो यहाँ पे z की पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 होगी। इसी तरह से y की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी भी डिग्री 1 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे u वेरिएबल है और u की पावर 1 है, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी? 1। तो ये जितने भी पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे डिग्री 1 वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिग्री 2, तो डिग्री 2 वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसके एग्जांपल ये हैं जैसे कि 3x²+4x-1। तो यहाँ पर जो यहाँ पे x की पावर 1 है लेकिन इधर x की पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या कहलाएगी? 2। तो डिग्री 2 वाला जो पॉलिनोमियल है उसे क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से ये अगला है 2z²-4। तो यहाँ पर z की पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हुई? 2। तो ये भी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है और इसको क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से √3y²+2/3, यहाँ पर y की पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो भी 2 होगी और इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए घर, इसके बाद आता है डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल जिसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं जैसे x³+3x²+4। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें यहाँ पर x की पावर 2 है लेकिन उसके बाद x की पावर कितनी आ रही है? 3। तो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी? 3। इसी तरह से नीचे दूसरा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y और उसकी पावर 3 है, तो इसकी भी डिग्री 3 कहलाएगी। ऐसे ही अगले वाला है 7x³, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि x की पावर 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 कहलाएगी। तो डिग्री 3 वाला जो पॉलिनोमियल है उसे क्या कहा जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने 3 डिग्री तक के जो पॉलिनोमियल है उनको समझा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कहा जाता है? लीनियर। लीनियर के एग्जांपल ये सारे हैं। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है, ये सारे क्वाड्रेटिक के एग्जांपल्स हैं। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे कहा जाता है क्यूबिक, और ये सब हैं क्यूबिक के एग्जांपल।
तो उम्मीद है कि डिग्री वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या लिखा है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो है वो क्या होता है, तो एनी रियल नंबर इज सेट टू बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ पी के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे डेफिनेशन से उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। लीनियर कैसे है, क्योंकि इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमें इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे ज़ीरो के इक्वल। सबसे पहले 3 उधर जाके क्या हो गया, माइनस, सॉरी अब देखो, सबसे पहले 3 उधर जाके माइनस हो गया, उसके बाद 2 जो था वो डिवाइड में चला गया। इस तरह से जो x की वैल्यू निकली है, यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी, ज़ीरो कहलाएगी, ज़ीरो। x की ये जो वैल्यू है माइनस का 3/2, ये इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी, ज़ीरो। अगर इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, रख के देख लेना। x की इस वैल्यू को माइनस 3/2 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इस जगह देखो, x की जगह रखा माइनस का 2/3, तो सॉरी ये तो माइनस का 3/2 था, 3/2 रखा और प्लस 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया, 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 निकालना है तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसके बाद एक्स के साथ जितनी भी डिजिट हैं सबको राइट साइड में लेकर जाएंगे। सबसे पहले जैसे 3 है, 3 उधर जाके माइनस हो गया, उसके बाद 2 था मल्टीप्लाई में, वो कहाँ चला गया, डिवाइड में। तो इस तरीके से हमने ये जो एक्स की वैल्यू निकाली है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो निकालना आ गया अच्छी तरह से, एंड में इस तरह से लिख देंगे कि सो माइनस 3/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स, क्योंकि हमने उस पॉलिनोमियल को हमने क्या नाम दे रखा है, पी एक्स। ज़रूरी नहीं कि हम उसको पी एक्स लिखेंगे, हम उसको जी एक्स भी लिख सकते हैं, हम उसे क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम उसको दिया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़ है नंबर ऑफ ज़ीरोस। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इस टाइप का, जैसे कि हमने लिख दिया कि 3x + 4, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके जो ज़ीरोज़ निकलेंगे वो कितने होंगे, 1। इसी तरह से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ हमेशा कितने निकलेंगे, 2। जैसे कि इस तरह का 2x² + 3x + 2, जैसे ये पॉलिनोमियल है, अगर हम इसके ज़ीरोज़ निकालना चाहेंगे तो इसके ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, 2। तो 10वीं क्लास में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको निकालने पर ही होता है। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जो ज़ीरोज़ निकालेंगे हम, वो किसके निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमेशा 2 होते हैं, ना 2 से ज़्यादा होते ना 2 से कम होते, क्लियर। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, इस तरह का, जैसे कि हम लिख देते हैं कि 2y³ + 3y और प्लस एनीथिंग, जैसे कि 7। तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, और इसके जब ज़ीरोज़ फाइंड किए जाएंगे तो ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके 3 होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। ये एक्सरसाइज आपको पहले इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि इसको समझना बाकी सारी एक्सरसाइज के मुकाबले आसान है। तो ये दिखाई दे रहा होगा कि x² - 2x - 8, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स, उसमें उसकी पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन जो हाइएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो
हाईएस्ट पावर टू वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज निकलेंगे अभी वो कितने निकलेंगे? टू निकलेंगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया था इसको। तो अब जैसे हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि इस पॉलिनोमियल को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग इसको पुट कर दिया जाएगा किसके इक्वल? जीरो के। ठीक है, अब इसके जो ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसके हम करेंगे फैक्टर, फैक्टराइजेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इसके लिए जो आखिरी नंबर लिखा हुआ है 8, 8 को ऐसे साइड में लिख के हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो 8 कैसे फैक्टर 2 आ जाए, इस तरह से हो जाएंगे 4 2 जा 8। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। तो ये मिडिल टर्म आ गई ना। इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अब इस 2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 4 माइनस 2। एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे जो साइन यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो फैक्टर के बीच में माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो फैक्टर के बीच में प्लस होना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हें आता ही होगा अच्छी तरह से क्योंकि 9th में पढ़ा था। तो ये जो -2x है इसकी जगह पर अब लिखा जाएगा क्या? 4x-2x। ठीक है, -8 इक्वल टू 0। तो हमने इस वाली टर्म को, ये जो मिडिल टर्म थी, इसको स्प्लिट कर दिया। क्या लिख दिया? 4x-2x। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो क्या होगा? अंदर का जो साइन है माइनस वो बदल जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस। -8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट हाफ दिखाई दे रहा है, दिख तो रहा ही होगा, इसमें एक्स कॉमन निकाल लिया जाएगा, अंदर बचेगा x-4 प्लस। इसी तरह से जो सेकेंड हाफ दिखाई दे रहा है इसमें से 2 कॉमन निकल लिया जाएगा, अंदर बचेगा x-4 इज इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये और ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अभी सेम है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद पूरे में से x-4 को कॉमन निकाल लिया जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पर x और इधर बचेगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों को 0 के इक्वल रखा जाएगा। पहले x-4 इज इक्वल टू 0, उसके बाद x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? +4। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके जो जीरोज निकल कर आए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज निकल कर आए वो कितने हैं? 2 है, एक 4 और दूसरा -2। अगर x की वैल्यू 4 हम इस पॉलिनोमियल के अंदर यहाँ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसी तरह से x की जो वैल्यू है -2, उसको भी अगर हम यहाँ पे रखते हैं इन दोनों जगह पर, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं सीख लिया है। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हमने 9th क्लास में इसको अच्छी तरह से निकालना सीखा था। तो ये जो सवाल कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, इसके दो पार्ट हैं। एक तो दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकालने के बाद हमें एक और काम करना है, वो आपको अगली जो वीडियो है उसमें सिखाया जाएगा। पहले हम जीरोज निकालने पे कमांड हासिल कर लेते हैं। तो अभी ये जो जीरोज मिले हैं हमें, x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू -2, तो हम इनको क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे, एक को अल्फा लिखेंगे और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? बीटा। समझ गए? तो जरूरी नहीं कि आप इसे इसे बीटा लिख सकते हैं, उसको अल्फा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल में जीरोज निकालना सीख लिया। अब बारी आती है दूसरे सवाल की। ध्यान से देखो, ये जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसमें भी हम अगर जीरो निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब
इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी, 4 1 4 4। अब 4 कैसे वेक्टर किए जाएंगे कि 4 आ जाए, तो 4 कैसे वेक्टर किस तरह से हो सकते हैं, 2 2 4। अगर 2 को 2 में प्लस किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। यानी कि इस 4 की जगह पर अब हम लिखेंगे क्या, 2 प्लस 2। और फिर से वही बात है ध्यान देने वाली कि जैसे यहाँ पर प्लस था तो फैक्टर के बीच में प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता है तो फैक्टर के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 4s² माइनस, इस 4 की जगह पर हम लिखेंगे 2s + 2s और +1। ब्रैकेट लगाना हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर बाहर माइनस है तो माइनस से बचने के लिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, बाद में हम इसको ओपन करेंगे। अगर प्लस है तो भी ब्रैकेट लगाया जा सकता है, लेकिन प्लस से इतना खतरा नहीं होता, प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंदर, इसलिए माइनस के केस में ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज कर देगा, ये सब हमने 9th क्लास में सीख रखा है। माइनस का 2s, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस 2s + 1 = 0। ऊपर मैं यहाँ पे 0 लिखना भूल गया था, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये जो फर्स्ट हाफ है यहाँ से कॉमन निकाला जाएगा 2s, तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1। इसी तरह से ये जो सेकेंड हाफ है यहाँ से क्या कॉमन निकाला जाएगा, 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ से वहाँ से क्या कॉमन लिया जाता है, 1, तो अंदर बचेगा 2s और इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -1 = 0। फिर से देखो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब पूरे में से 2s - 1 निकल गया कॉमन, अंदर बचेगा, यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 = 0। अब क्या किया जाएगा, एक एक करके इन दोनों के जीरो के इक्वल रखेंगे, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो s = आ गया 1/2। इसी तरह से यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है बिल्कुल, 2s = 1, तो s = 1/2। तो इस तरह से जो हमें दो जीरोज मिले, दोनों सेम मिले हैं, 1/2 अल्फा और बीटा भी कितना मिला, 1/2। तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इस पॉलिनोमियल के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसके दो जीरो कैसे निकाले। अभी हम यहाँ पर नया कुछ नहीं कर रहे हैं, सब 9th क्लास का ही रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास में हमने अच्छे से सीखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, फैक्टराइजेशन करो और एंड में हमें उसके जीरोज़ मिल जाएंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोज मिलेंगे, लीनियर है तो एक मिलेगा और क्यूबिक है तो 3 मिलेंगे। ठीक है, अभी आखिरी सवाल, इसको ध्यान से समझना, बाकी जो सवाल हैं वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और अगली क्लास में यानी सॉरी अगली वीडियो में उनके जो आंसर्स हैं वो आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि अभी जीरो के इक्वल तो पुट कर देंगे, लेकिन इस सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ax² + bx + c = 0। तो उस इक्वेशन में क्या है कि जो एक्स स्क्वायर वाला है वो सबसे आगे आएगा, उसके बाद x आएगा, मतलब कि डिग्री 2 पहले आएगी, उसके बाद डिग्री 1 आएगी। तो ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन दी हुई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो 6x² तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो -7x है इसको लिखा जाएगा, और लास्ट में -3 = 0। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, देखो ax² + bx + c। मैं यहाँ पे प्लस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको हम यहाँ पे प्लस लगा के लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो साइड में देख लो, जैसे कि 6x² - 7x - 3 = 0 है ना, तो 6x² + -7x और +3 = 0। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था। तो अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, अब हम आसानी से इसको इसके जीरोज निकाल सकते हैं, 6 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा, 18
18 कैसे फैक्टर करेंगे कि क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो सोचो क्या होते हैं, बताओ सोच कर। नहीं आ रहा, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 यानी के 7। तो 6x² माइनस 7 की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 9 माइनस 2x और -3 इज इक्वल टू 0। अब 6x² माइनस ये जो x है यहाँ पे अंदर भी लिखा जा सकता है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x और -3 इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आएगा ही, साथ ही साथ यहाँ से 3 भी कॉमन आएगा। तो 3 2 जा 6, 1x कॉमन आ गया लेकिन 1x अभी भी बचा हुआ है, 3 3 जा 9, x कॉमन आ चुका है, प्लस जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से कॉमन क्या आता है, 1। तो अंदर बचेगा सेम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस था, तो प्लस तो साइन चेंज नहीं करता। ये देखो चीटी घूम रही है, अभी मैं तुमको गांव से ही पढ़ा रहा हूँ। कोरोना वायरस ने जो है हमें सबको घर में रहने के लिए मजबूर कर रखा है, चलो उसे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बचेगा यहाँ पे 3x और +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद एक करके 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2, पहला 0 आ गया। इसी तरह से 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो मैंने अभी कई बार बता चुका हूँ कि दो जीरोस जो आएंगे इनको अल्फा और बीटा लिखा जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 हो गया, इसी तरह से बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3 हो गया। फिर से बता रहा हूँ कि इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो 3 सवाल हैं उनके जीरोस निकालने सीखे। पहला ये था x² -2 -8, तो इसके जो दो जीरोस आए थे वो 4 और -2 आए थे। इसी तरह से जो दूसरा सवाल है ये देखो, इसके जो जीरोस आए थे वो क्या आए थे, 1/2 और 1/2। इसके जीरोस जो थे वो सेम थे, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। इसी तरह से तीसरे सवाल में जो जीरोस निकल कर आए, 6x² -3 -7x था। इस तरह से पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो किसी भी सवाल को ध्यान से देख लेना कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर नहीं है। तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के बड़ी आसानी से इसके जो जीरोस हैं उनको निकाल लिया। तो इसके जीरोस ये आए, अल्फा जो है वो +3/2 है और बीटा कितना है, -1/3। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला सवाल है उसका आधा हिस्सा सीख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो कैसे निकाल लिए जाएंगे। तो बचे हुए जो सवाल हैं वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि व्हाट्सएप पर आपको सारे सवाल एक्सरसाइज के हिसाब से भेजे जाते रहेंगे। और मेहनत से पढ़ते रहिए, घर में ही रहिए, देश को बचाने के लिए। थैंक यू।